बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, निमल के किचन में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं अनार के स्क्वैश की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अनार का स्क्वैश। इसके लिए हमने 1 kg अनार लिए हैं, रेड वाले अनार, कंधारी अनार, इसके हमने दाने निकाल लिए हैं। गुलाब की पत्तियां ली हैं हमने आधी प्याली, लेमन जूस लिया है, चीनी ली है, चीनी हमने और भी डालनी है इसमें। 1 प्याली हम चीनी डालेंगे। टाटरी हमने यूज़ करनी है, वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले हमने ग्राइंडर के जग में अनार के दाने डालने हैं। हम इसमें डालते हैं अनार के दाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने डाल दिए अनार के दाने ग्राइंडर में। अब हम उनको ग्राइंड करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 प्याली पानी। हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। हम इसमें पत्तियां डालेंगे फूलों की, गुलाब की जो हमने लेके रखी हुई हैं धोकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। प्याली में डाल देते हैं जो उसमें से बीज निकले हैं। तो बाकी का रह गया, उसको भी हम फिल्टर करते हैं। अब हम इसमें एडिशनल कलर नहीं डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डाल दी हैं, अब रेड कलर की जरूरत नहीं रहेगी और खुशबू भी बहुत आला आएगी इसमें से। गुलाब की खुशबू भी होगी, अनार की भी होगी। अब हम एक पैन लेंगे, उसको तो रखेंगे चूल्हे पर और फ्लेम ऑन कर। तो हमने अनार का जूस फिल्टर करके रखा था, अब हम इसको डालते हैं पैन में। व्यूअर्स, हमारा अनार का जूस पक रहा है, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 2 प्याली चीनी डालते हैं। इसे भी हमने और पकाना है गाढ़ा होने तक। इसमें हम डालेंगे अब लेमन जूस जो हमने रखा हुआ था, 3 टेबल स्पून। फिर देखें स्क्वैश गाढ़ा हो रहा है। इसमें हम अभी डालेंगे 1 टीस्पून टाटरी। हमने डाली है 1/2 टीस्पून टाटरी। हम सबको मिक्स करके हम इसमें डाल रहे हैं पोटाशियम परमैटा सल्फेट 1/2 टीस्पून, अनार के जूस में। बॉयल आ गया है अनार के जूस को, अब हम बंद कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब ये ठंडा होगा तो हम इसको बॉटल में डालेंगे। स्क्वैश रेडी है, अनार का स्क्वैश रेडी है, इसको डालते हैं बोतल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर चीज़ें डाली हैं उसकी वजह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। कम से कम 8 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले हमने नहीं इसको इस्तेमाल करना।
अनार का शरबत बेहद मुफीद है मरीज़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है, बड़े छोटे सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप भी इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इंतहाई मौसर है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।